खान, तुम्हारे मित्रों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तुम्हें जितना हमें मारना है मार लो, तो हमारे मित्रों को छोड़ दो। अपना वचन निभा बैराम खान। कैसा बेवकूफ लड़का, हमसे कह रहा है कि हम अपना वादा निभाए। नहीं जानता कि वादा तोड़ना तो बैराम खान की फितरत है, और हमसे उम्मीद रख रहा है कि हम वादा निभाए। बैराम खान, हमारे रक्त की जो एक एक बूंद हमारी धरती पर गिर रही है, देख लो, हर बूंद से एक एक नया प्रताप जन्म लेगा। तुम मुगलों को हमारे राजस्थान की धरती से खदेड़ कर रख देंगे। तुम क्या खदेड़ोगे, हम तुम्हें खदेड़ के भगाएंगे तुम्हारी ही सरहद से बाहर। ए लड़के, हंस क्यों रहा है, क्यों हंस रहा है तू? बोल। क्यों हंस रहा है तू? क्या मजाकिया बात नजर आ रही है तुझे? बोल, क्यों हंस रहा है? बोल प्रताप, तुम्हें क्या लगा जिस प्रकार हम अपने मित्र को बचाने आए हैं, क्या हमें बचाने नहीं आएगा? मूर्ख हो तुम, यदि तुम ऐसा सोच रहे हो। कौन आएगा तुझे बचाने? देख बैराम खान, वो आ गए हैं। देख, कौन आ गया? कौन आ गया? ए, कौन है, सामने आओ। कौन आया? सामने आओ। रानी सा, राणा जी और राव ममरक जी दुर्ग की ओर आ रहे हैं। चाचा, ये क्या है? सुरतन सिंह के सैनिक बाहर से एक कल द्वारा चट्टानों के और पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़े फेंक रहे हैं। सारे पत्थर अंदर जाने चाहिए, बिजोलिया के किले के अंदर। एक भी पत्थर बच गया तो उदय सिंह जी यही पत्थर हमारे सर पे दे मारेंगे। चलिए तैनात रहो। जोर से उदय सिंह जी आया, उससे पहले तोड़ द्वार। मैं कह रहा हूँ दुर्ग द्वार तोड़िए, अन्यथा उदय सिंह जी आ जाएंगे। हुकुम। उदय सिंह आ गए, वो उस दिशा में। बस इतना याद रखना सब, जब तक राणा जी और राव जी महल में हमारी रक्षा के लिए नहीं आते, तब तक हम में से कोई हथियार नहीं डालेगा, और सब सतर्क रहेंगे। जयवंता जी तो करता है वे कुछ भी करके यहाँ तुरंत आ जाए, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं की जाती। हम सब यही चाहते हैं सब। अरे, 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 अब कौन छोड़ रहा है धुआं?
आप रो सुल्तान, तेरा काल यहाँ आ गया है। काल तो आपका आया है राणा उदय सिंह जी। विनाश काल, विपरीत बुद्धि हो चुकी है आपकी। दृष्टि उठाइए, देखिए हमारी चारों ओर हजारों सैनिकों की सेना है। राणा उदय सिंह, क्या है आपके पास? केवल आपके ये राव महामूर्ख। हमारी मानिए तो घूम जाइए और चले जाइए मेवाड़, क्योंकि हम नियत थे मेवाड़ अवश्य करते हैं। आज तुम चाहे हजारों सैनिक बुला लो, चाहे लाखों, लेकिन हमसे तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा राव सुल्तान। हम तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे जो तुमने कभी सोची भी ना हो। राणा उदय सिंह, आगे मत बढ़ना। मेरे संभाल जी हुकुम। रुको, पत्थर बहुत फेंक दिए, अब हमें फेंको। अर्थात हमें अंदर भेजिए। अरे बहरे हो गए या मंदबुद्धि, समझ में नहीं आ रहा है। पत्थर उठाइए, हमें उठाते हैं। अब हमें अंदर भेजना है आपको। ये क्या कर रहा है? पत्थर के स्थान पर स्वयं बैठ रहा है? हम समझ गए कि ये क्या करना चाहता है। फेंके फेंके, रुकिए, प्यार से, क्योंकि हम पत्थर नहीं, हम राजा हैं। प्यार से हमें फेंकेगा ताकि हम धीरे से, प्यार से बिजोलिया के महल अंदर जाके यूं धीरे से गिरे। प्रताप, सूर आपकी पगड़ी कहाँ है? हमारी पगड़ी लेके चला गया, हमारी पगड़ी लेके चला गया। प्रताप, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे, हमारी पगड़ी ले गया। कहाँ तुम सामने आओ? जबर करिए हुजूर, संभालिए अपने आप को। सारी सेना देख रही है हुजूर। हमारे सामने से प्रताप भाग गया और तुम हमें सब्र और जबर की नसीहत दे रहे हो। इतनी विशाल सेना को पार करके हम महल तक कैसे पहुंच पाएंगे? अकेले क्यों आए जीजा? उनकी सेना कहाँ है? शांत हो जाइए, आप सब शांत हो जाइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। राणा जी, यदि इस सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया तो हम जीवित नहीं निकल पाएंगे। इससे पहले कि ये सेना हमें घेर ले, निकल चलते हैं यहाँ से। नहीं राव जी, अब हम यहाँ से कहीं नहीं भागेंगे। लेकिन इस समय आपको निकलने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे दिमाग में एक योजना है। कैसी योजना? वो बताने का समय नहीं है, आप भरोसा रखिए हम पर। भाग गए भगोड़े, पीछे कर उनका। जीजा, राणा जी तो हमें छोड़कर भाग रहे हैं, हमारी रक्षा किए बिना।
क्या कह रहे थे तुम? हम अभी प्रताप के दोस्तों को एक एक करके मार डालते हैं, तब वो खुद ब खुद यहाँ पर आएगा। नहीं 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 नहीं, प्रताप अकेला नहीं है, कोई और भी है उसके साथ, जिसने उसे बचाया, यहां से भगाया, कोई और भी है उसके साथ। चाहे हम उसके दोस्तों के साथ कुछ भी कर लें, वो शख्स प्रताप को हमारे सामने घुटने टेकने नहीं देगा। नहीं नहीं नहीं, इसके दोस्तों को मार के कोई फायदा नहीं है काले खान, उनकी जिंदगी शायद शायद कुछ काम आ जाए, हमारी पगड़ी ले गया, पगड़ी ले गया। ढूंढा उसे, ढूंढा सबके साथ, कहीं कहीं छुपे होंगे, किसी घर में, हमें मालूम है, किसी गांव में छुपे हैं प्रताप, और उसको बचाने वाला ढूंढा ए, यहां कोई नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी जगह तलाशते हैं। चलो महाराज, एक और प्रताप, गुरुवर आपने नत्था चक्रपाणी और विनीदास को हमारे साथ क्यों नहीं लिया? केवल हम अकेले क्यों गुरुवर? क्योंकि दो लोगों का छिपना पांच लोगों के छिपने से अधिक सरल होता है, इसी कारणवश। परंतु हम अपने मित्रों के प्राण तक नहीं बचा पाए तो हमारे प्राण किस काम के? आपके प्राण किस काम के, ये भी हमें आपको बताना पड़ेगा? आपके प्राण है आपकी सेना के काम के, मेवाड़ के काम के, राजपुताना के काम के, आपकी मातृभूमि के काम के। एक तो हमें समझ में नहीं आता कि आपने आत्मसमर्पण जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य किया कैसे, और उसके पश्चात हमसे ये पूछने का दुस्साहस कि मात्र हमने आप ही के प्राण क्यों बचाए? इतना हम बैरम खान को समझ पाए हैं, बैरम खान ने आप पर हाथ डाला है, वो आपके मित्रों को हानि नहीं पहुंचाएगा। हम में नहीं है आप जैसा साहस, हमें बहुत डर लग रहा है जीजा। एक राणा जी पे ही तो आस थी हमारी, पर देखिए ना, वो भी हमें बिना बचाए छोड़ के चले गए। हमें तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि राणा जी हमें छोड़कर चले गए। हमें तो राणा जी पर बिल्कुल भी संदेह नहीं है, हमें अभी भी यही लग रहा है कि राणा जी ने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर ही किया होगा। संदेह तो हमें भी नहीं है, पर उत्सुकता है जानने की कि ऐसा क्यों किया राणा जी ने। इस समय तो हम सबको भय, उत्सुकता, क्रोध, अपने हर भाव को इसी सोच में लगाना है कि इस समय हम अपना बचाव कैसे करें। सुनिए सब, अब जब ये लगभग तय सा हो चुका है कि अब हमें बाहरी कोई मदद नहीं मिल सकेगी, अब ये आवश्यक हो जाता है कि हम सब आपस में सहयोग करके सुल्तान और उसकी सेना के विरुद्ध महल में ही अपनी रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक पूरी किलेबंदी करेंगे। आंसू पोंछ लीजिए सच्चा बहना, जब तक हम जीवित हैं शरीर में प्राण है तब तक हम लड़ेंगे।
मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। जय राजपूताना, जय राजपूताना, जय राजपूताना। कौन हो तुम? हम वही हैं जिसे बाहर रोकने का आप यहाँ पे बल प्रयोग कर रहे हैं। हमारा नाम क्या है ये हम बताएंगे, आप बताएंगे? हम बताएंगे, बूंदी नरेश राव सुल्तान। तलवार, डर गए हम, डर गए। आपके हाथ में तलवार है। किंतु ये तलवार का प्रयोग कैसे किया जाता है इस बात का ज्ञान है आपको? नहीं, कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे आपको। आइए आइए, वार कीजिए हम पे, आइए। मारे वीर सैनिकों, बिजोलिया में आप सबका स्वागत है। आइए, शोर मत मचाइए। आधे सैनिक किले के चौबारे गलियारों झरोखों पे तैनात हो जाइए, और जैसे ही उदय सिंह दिखे तीर से छल्ली कर दीजिए, और बाकी आधी हमारे साथ आइए, हमारा कार्य संपन्न करने में हमारी सहायता करें, ताकि हमारा जी बावर हो जाए। चलिए जल्दी हाथ चलाइए, सुल्तान सिंह के सैनिकों को अभी मुख्य द्वार तोड़ने में समय लगेगा, तब तक हमें हमारे हमारा ऐसा अनर्थ हो गया। राव सुल्तान के सैनिक दुर्ग में आ गए है, वे महल के तरफ ही आ रहे। अब तो हमें लगता है कि हमें नहीं, नहीं, बिना शत्रु से लड़े हम इतने आसानी से प्राण नहीं छोड़ेंगे। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा है, महल के द्वारों को बंद कर उनके सामने भारी भारी सामान लगा दो। पूरी सेना दुर्ग में आ चुकी है जीजा, कब तक बचाएंगे हम अपने आप को? जब तक शरीर में प्राण है। चलिए चलिए जल्दी चलिए, सब लोग सब लोग, शीघ्र शीघ्र। काले खान, और हम गांव के हट्टे कट्टे लोगों को जमा करो, और हमारी तोपों के लिए बारूद की ढुलाई का काम करवाओ। ढुलाई का बारूद? तोपे? हाँ। और हुजूर, तोपे तो हम चित्तौड़ के किले की दीवारों को तोड़ने के लिए साथ में लेकर चल रहे हैं। खामोश, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। हुजूर, बैरम खां को आज पहली बार इतने गुस्से में देखा है। चलो जल्दी करो। हुजूर, हुजूर, गायों के बाड़े में इंसानी हरकत देखी गई है। क्या जी हुजूर? सिपाहियों, गाय के बाड़े की तरफ चलो जल्दी। योजना क्या है हमारी गुरुवर? कैसे हम अपने मित्रों को सुरक्षित निकालेंगे, और यहाँ से निकलने से पूर्व हम बैरम खान को आघात पहुँचा देंगे? उसी का ही चिंतन हम भी कर रहे हैं। इतने दिनों में एक बात तो समझ आ ही गई गुरु, कि इतनी शक्ति बैरम खान की सेना में नहीं है जितनी उसके हथियारों और बारूद के विशाल भंडार में छिपी है। उसी के बल पर तो इतना छिलता है। कहाँ है उसके बारूद के भंडार? उसी के बारूद के भंडार से ही हम उसकी लंका का दहन कर सकते हैं। हमने बहुत खोजा गुरुवर, पता नहीं कहाँ छिपा रखा है उसने उसके बारूद। उसे खोजने का भी हम मार्ग अवश्य ढूंढ निकालेंगे, किंतु उससे पूर्व आप चने खाएं, आपके शरीर को इसकी आवश्यकता है। जब तक हमारे मित्र वहां बैरम खान के बंदी बने हैं, वे भूखे प्यासे पड़े हैं, हम ये नहीं खा सकते। कोई आवाज नहीं करेगा। क्या हो गुरुवर? रुक जाओ, सुनो, तुमने आके प्रताप और उसके साथियों को देखा है? नहीं हुजूर, हम तो दूध निकालने में व्यस्त थे।
बेकार ही वक्त जाया किया हमने। चलो ए, अगर तुम गाय का दूध निकाल रहे हो तो दूध रखने का बर्तन कहां है? और इससे पहले मैंने तुम्हें कभी गांव में देखा नहीं। कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, कौन हो तुम? क्षमा हजूर, क्षमा कर दीजिए, हमने आपसे झूठ बोला। वो क्या है कि हम बारूद लाने ले जाने के कार्य से बचना चाहते थे, डर गए थे हम। हमने सुना है कि बारूद बहुत विस्फोटक होते हैं, एक छोटी सी चिंगारी और विशाल विस्फोट होता है। इसे अपने साथ लेकर चलो और सबसे ज्यादा चक्कर इसी से लगवाएंगे। ले चलो ये सूट।